नमस्कार clips.in में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर अरोध नाला में पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण से पहले ठेकेदार ने अप्रोच रोड लोगों के आवाजाही के लिए बनाया है। यह रोड बीते दिनों हुई बारिश में ढह गया और उसमें पानी भर गया है। ऐसे में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मगरलोड ब्लॉक के ग्राम अरोध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग द्वारा तकरीबन 2,22,00,000 रुपए के पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी की उदासीनता और ठेकेदार की गैर जिम्मेदार रवैये से पुल निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्य पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। गौरतलब है कि यह पुल नगरी से नयापारा और नयापारा से कुरुद सहित ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ता है। वहीं तेज बारिश होने से लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया अप्रोच रोड बह गया है, जिसे इलाके के लोगों और छात्रों को आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने पुल निर्माण को जल्दी पूर्ण करने की मांग की है। ग्राम अरोध में जो नाला पुल जो ठेकेदार के माध्यम से जो बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से है, तो पहली बरसात में जो अप्रोच मार्ग है वो टूट गए। जिगर से आज हमारे गांव के आसपास थी गिरोह सोंगा हरती बिलौदी राकाडी भोटीडी जितने ही मतलब आसपास गांव के छोटे छोटे बच्चे और स्कूल यात्री से वो सब स्कूल आज प्रभावित हो गए। आने जाने की इतना दिक्कत है कि यह बड़े बड़े गाड़ी भी चलना है, हमेशा व्यस्त मार्ग है। इला बनाए के लिए ठेकेदार बार बार बोले के बाद भी, निवेदन आवेदन करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा नहीं बनाए जा रहे थे। विभाग के अधिकारी से भी निवेदन करेगी, लेकिन वही थोड़ा सा मरम्मत कार्य करके ही अपन औपचारिकता पूरा करते थे। अगर समय पर नहीं बना पाई बरसात के पहले तो जन आंदोलन करने का बहुत बड़ी संभावना है। मगरलोड जो पूरा ब्लॉक है वो धमतरी जिले का ऐसा ब्लॉक है जो सिहावर और कुरुक के बीच में स्थित है, और वहाँ पे लोगों की नज़र कम पड़ती है, जनप्रतिनिधि कम जा पाते हैं, मीडिया कर्मी कम जा पाते हैं, और इसी का पूरा भरपूर फायदा भ्रष्ट नेता और अभी अधिकारी लोग वहाँ पे उठाते रहते हैं। इसलिए दुधारू गाय लोग समझते हैं और उसको रोज दूना चाहते हैं, और दूह कर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए ही उस मगर ब्लाड लोग ब्लाड को लोग पॉइंट किए हुए हैं। अच्छा गुणवत्ता वाला बन जाएगा तो इनको भ्रष्टाचार करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी सोच ही वैसी है कि मगर लोड में आधा दूरा किया जाए ताकि दूसरे मदों से और पैसा को वहाँ पर ट्रांसफर लेकर के और रिवाइज एस्टिमेट बना करके उसमें फिर पैसा खाने का अवसर बचा रहे। बहरहाल जिला प्रशासन अप्रोच रोड को सुधारने और पुल का निर्माण जल्द पूरा करने की बात कह रहे हैं, और इस जो मेंटेनेंस में बहुत सारा बड़ा दिल्ली है कुछ और कुछ टी एस के लिए है, उसको हम प्रशासन से जल्दी साफ सुथरा करने का प्रयास करें। अब देखना होगा कि PMGSY इस अप्रोच रोड को और पुल को कब तक बनाती है। क्या ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ेगा। For more information, log on to www.clips.in.